बस एक झाड़ू ने लड़की को बना दिया लाखों की मालकिन। महीने का कमाती है 50 से 60 हजार रुपए। सरकारी नौकरी वाला उसके सामने कुछ भी नहीं। पहले घर में दो वक्त की रोटी के लाले पड़े थे, दूसरों के यहाँ मजदूरी करती थी, अब खुद उसके नीचे दर्जनों नौकर काम करते हैं। वो पहले पूरे दिन में सिर्फ 10 से 20 झाड़ू बेच पाती थी, अब एक एक ट्रक लोड होकर जाता है। कौन है ये लड़की जिसने एक झाड़ू से साफ कर दी अपने पूरे घर की गरीबी? शाहरुख खान का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। बस इसी डायलॉग और मात्र एक झाड़ू ने लड़की की किस्मत को पलट कर रख दिया और घर घर झाड़ू बेचने वाली आज लाखों की मालकिन बनी बैठी है। दरअसल ये कहानी है यूपी के मेरठ की रहने वाली सोनिका, जिसने अपनी मेहनत से घर की गरीबी पर झाड़ू फेर दिया। बता दें मेरठ के राली चौहान गांव की रहने वाली सोनिका की कहानी बड़ी अनोखी है। पति पेंटिंग का काम करते थे, जो कि महीने में कुछ दिन ही काम चल पाता था, जिससे घर का गुजारा काफी मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में सोनिका ने अपने पति की मदद करने के लिए झाड़ू बनाना शुरू कर दिया। परिवार की मंजूरी से उन्होंने झाड़ू बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। जेल चुंगी स्थित केनरा RCT से 6 दिन की ट्रेनिंग तो ले, लेकिन काम शुरू करना उनके लिए काफी चुनौती भरा हो गया था, क्योंकि उसके लिए पैसों की जरूरत थी। सोनिका ने 25,000 रुपए उधार लिए और घर से ही झाड़ू बनाने का काम शुरू कर दिया। सोनिका के बनाए झाड़ू का मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दुकानदारों को भी उनका प्रोडक्ट काफी पसंद आने लगा। उनके झाड़ू की सेल बढ़ गई और उन्हें झाड़ू बनाने का ऑर्डर मिलने लगा था। अब उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर गांव की महिलाओं को जोड़ा और काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। काम के दौरान लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, पर सोनिका ने लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आज कमाल ये हुआ कि उनके साथ काम कर रही महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई। शुरुआती दिनों में सोनिका को झाड़ू बेचने के लिए बाजार में जाना पड़ता था। समय बदला तो अब उनका माल ट्रक से जाता है। इतना ही नहीं, उनके बनाए झाड़ुओं की दिल्ली में भी बिक्री की जाती है। सोनिका के मुताबिक वह लागत निकालकर महीने का लगभग 50 से 60 हजार रुपए बचा लेती है, पर आज उनका कारोबार बढ़कर 10 से 12 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। वो अपने नीचे काम कर रही ट्रेंड महिलाओं को 800 से 1000 रुपए और अप्रशिक्षित महिलाओं को 400 से 500 रुपए का भुगतान करती हैं। सोनिका मेरठ के आसपास के ग्रामीणों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।